adherent point, closure of set and the compact set we will do later. So what is the adherent point? Adherent point से पहले हमने बात की थी किसके बारे में, limit point के बारे में. तो limit point और adherent points mostly similar से होते हैं, but थोड़ा सा इसमें difference है, वो क्या है. Adherent point हम किसको बोलते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई real line है. पहले इसकी definition पढ़ लेते हैं. Let A containing R, then any real number xi is said to be the adherent point of A if every neighborhood of xi contains at least one point of A. यहाँ point ये है, at least one point of A, और वो at least one point xi खुद भी हो सकता है. अब देखो कैसे, मान लो ये मेरे पास है रियल लाइन, तो इस डेफिनेशन के अंदर जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको, देखो इस डेफिनेशन को दो पार्ट में मैं टोपोलॉजिकल स्पेस में भी बहुत अच्छे से बता सकता हूँ आपको, बट फिलहाल हम रियल लाइन के ऊपर ही मैं आपको इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा. देखो ये आपके पास क्या है, रियल लाइन है दोस्तों. अब वो कहता कि इस रियल लाइन के ऊपर कोई सेट है और वो सेट कौन सा है, ए. तो ये मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ए इसका सबसेट है, ठीक है. ए कंटेनिंग इन आर, तो ए कंटेन्ड इन आर, ये बात हुई पूरी. फिर कहता कि एग्जाई इज सेट टू बी दीरेंट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एग्जाई, यानी कि एग्जाई को ही हम इसका दीरेंट पॉइंट बोलने वाले थे, यानी कि कहीं ना कहीं जो है ना एग्जाई एग्जिस्ट करेगा. मैं मान लेता हूँ कि एग्जाई यहाँ एग्जिस्ट करता है. और क्या कहा गया कि एग्जाई इज सेट टू बी द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एग्जाई, यानी कि इस एग्जाई का कोई एवरी नेबरहुड होगा. नेबरहुड कौन होता है, नेबरहुड तो सेट होता है, यानी कि कोई ना कोई एक सेट यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला है. हो सकता है वो सेट यहाँ से लेके यहाँ तक हो और उस सेट का नाम देते हैं मान लो बी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो. तो इसका नेबरहुड, इसका ये नेबरहुड तब बनेगा जब एग्जाई को लेके एक ओपन इंटरवल बन रहा हो, है ना. और ये ओपन इंटरवल ऐसे होता है एक्साई माइनस एप्सिलॉन और एक्साई प्लस एप्सिलॉन. तो कोई ओपन इंटरवल बन रहा हो तो ये बी इसका नेबरहुड हो जाता है. तो पॉइंट ये है दोस्तों कि इस ए, हम इस एक्साई को लिमिट पॉइंट तब बोलते हैं जब यहाँ पे इस एक्साई के सिवा और भी बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो ए के भी होते हैं और इस सेट के भी होते हैं. बट अडहेरेंट पॉइंट तब बोलते हैं जब हम खुद एक्साई को भी काउंट कर लें, यानी कि देखो यहाँ पे हम डेफिनेशन सिर्फ इतनी बोलेंगे कि बी, ये क्या है बी, बी कौन सा है, बी क्या है नेबरहुड ऑफ एग्जाई. तो बी और ए की अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूँ, ध्यान देना, बी और ए की अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूँ तो ये खाली ना हो, शुड बी नॉट एम्प्टी. हालांकि ये सॉरी ये मैंने दो बार ये लिख दिया, ये इंटरसेक्शन कर दूँ किसके साथ, ए के साथ, तो ये खाली ना हो. हालांकि जो हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो लिमिट पॉइंट में तो आपने ये बात बोली थी ना कि लिमिट पॉइंट तब होगा जब हम इस बी की इंटरसेक्शन करें ए के साथ और उसमें से भी हम उस एग्जाई को या एक्स को माइनस कर दें तो वो खाली ना हो. मतलब ये कि यहाँ पे एग्जाई के सिवा कोई अगर और पॉइंट होंगे उस ओपन सेट में, ओपन इंटरवल में, तो बन जाएगा लिमिट पॉइंट. बट अगर मैं सिर्फ इन दोनों को ही काउंट कर रहा हूँ, यानी कि इस बी वाले सेट के अंदर और ए वाले में दोनों में इंटरसेक्शन करूँ तो कुछ तो कॉमन आए, तो मैं बोलते देते हैं क्या कि ये इसका अडहेरेंट पॉइंट है. अब देखो इसको और अच्छे से अगर आप कुछ समझोगे तो ऐसे समझ सकते हो कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस था और ये कहीं आपका ए सेट था. अब आप ये समझो कि ये जो बी सेट आप लेके चलते हैं ना, उसकी जगह पर यहाँ पर हम, ये ए सेट है, ये आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है. अब मैंने कहा कि यहाँ पर ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको टोपोलॉजिकल स्पेस में आप ओपन स्फीयर या ओपन बॉल्स के नाम से जानते हैं. तो वो या तो होगा इसके अंदर, है ना, या होगा इसके ऐसे बाउंड्री पे, और या होगा इसके जस्ट बाहर. तो हो क्या रहा है, अब अडहेरेंट पॉइंट है, तो अडहेरेंट पॉइंट कब एग्जिस्ट करेगा. अब देखो यहाँ पे भी लिमिट पॉइंट के लिए ये कंडीशन है, अडहेरेंट पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है. मान लो ये पॉइंट था आपका ये एक्साई या एक्स, चलो एक्स मान लेते हैं, इधर यहाँ पे भी था आपका एक्स. अब देखो अगर आप इस ए की और इस सेट को आप बोलते हैं एस आर एक्स, ठीक है, ओपन बॉल, चाहे इसको बी बोलो, यानी कि यहाँ पे ये बी का काम कर रहा है, तो ये है एस आर एक्स. तो जब आपने ए की इंटरसेक्शन करी किसके साथ, एस आर एक्स, इस वाले ओपन बॉल की, तो वो खाली नहीं आई, दैट इज़ नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि कम से कम ये x, बाकी के पॉइंट सारे बाहर चले गए, तो कम से कम एक x तो पॉइंट होगा जो इस a का और इस ओपन बॉल का कॉमन होगा. तो यानी कि ये, हालांकि ओपन जो बॉल है ये बाहर बन रही है इससे a से, फिर भी ये इसका अडहेरेंट पॉइंट है. गेटिंग अ पॉइंट,
हो सकता है एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसके ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो, बाकी का जितना भी ये ओपन बॉल इसकी बनेगी ना ऐसे करके ऐसे सारी बाहर बन जाए, सिर्फ एक ही पॉइंट आए ऐसे वाला, तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो इसके सिवा और भी एक का होना चाहिए। अब जैसे एक ही पॉइंट इसका है, तो जब आप इसको इंटरसेक्शन करोगे और उसमें से इस एक्स वाले इस वाले पॉइंट को माइनस कर दोगे तो ये तो खाली आ जाएगा, क्योंकि एक ही तो पॉइंट एक का था वो निकाल दिया आपने, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बट वो अधीरेंट पॉइंट बन जाएगा। और अधीरेंट पॉइंट क्यों बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ ए और इसकी इंटरसेक्शन करनी, जब इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो ये एक पॉइंट तो दोनों में कॉमन आएगा ही आएगा, तो इसको बोलते हैं अधीरेंट पॉइंट और इसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। ओके, अब अधीरेंट पॉइंट से ही डेफिनेशन बनती है किसकी, क्लोजर ऑफ अ सेट की। तो क्लोजर ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या होगी, वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। क्लोजर सेट हम किसको बोलते हैं, ठीक है, तो क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, देखो इसकी भी मैं आपको दो टाइप से डेफिनेशन, बट पहले हम रियल लाइन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो एक ए सेट था आपके पास और वो कंटेंट किसके अंदर करता है, जी आर के अंदर करता है। देन द सेट ऑफ ऑल अधीरेंट पॉइंट, क्या है, सेट ऑफ ऑल अधीरेंट पॉइंट, सभी अधीरेंट पॉइंट को अगर आप सेट बना दो तो उसको बोलते हैं क्या, इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ सेट, क्लोजर ऑफ सेट। और सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, वो होता है ड्राइव्ड सेट, ठीक है। और अधीरेंट पॉइंट के सेट को क्या बोलते हैं, क्लोजर ऑफ सेट। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ए बार से, ऐसे लिखते हैं ए बार, इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए, ठीक है। यानी कि अगर आपको ए बार की डेफिनेशन देनी है तो आप इसको ऐसे दोगे कि जी सारे के सारे वो एक्स जो रियल नंबर होंगे और सारे के सारे वो एक्स क्या होंगे, एक्स इज एन अधीरेंट पॉइंट होंगे। और अधीरेंट पॉइंट हमने अच्छे से समझ लिया कि अधीरेंट पॉइंट क्या होते हैं, अधीरेंट पॉइंट किसी सेट के होंगे, ठीक है, अधीरेंट पॉइंट ऑफ ए। ओके, लॉजिक क्लियर हुआ। अब देखो भाई एक चीज आपको और अच्छे से क्लियर करता हूं, एक डेफिनेशन इसकी और आती है जो हमें कंफ्यूज करती है आगे जब हम थ्योरम्स पढ़ते हैं। तो जो ए बार होता है, मैंने कहा कि वो सारे के सारे अधीरेंट पॉइंट होते हैं, बट ए बार ना ए और यूनियन होती है किसकी, लिमिट पॉइंट की, सॉरी लिमिट पॉइंट के सेट की, को क्या बोलते हैं, ए डैश। यानी कि ड्राइव्ड सेट जो होते हैं, जो ड्राइव्ड सेट है और ए, इन दोनों की यूनियन कर दें तो ए क्लोजर ऑफ ए बन जाता है। अब आपके माइंड में एक विचार जरूर आएगा कि सर ये कैसे बन गया। देखो दोस्तों, ये आपका कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस को थोड़ा मैं ऊपर बना देता हूँ ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी आपकी बनी रहे। ये है आपका टोपोलॉजिकल स्पेस जिसका नाम है S, और ये है आपका सेट A, ठीक है। अब हमने कहा कि इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट कहाँ होंगे, अब आप कहते हो कि सब इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट ना इसके अंदर ही तो होते हैं, बाहर तो नहीं होंगे, बाहर भी हो सकते हैं, वो भी आपको आगे चल के मैं चीज कराऊंगा। तो इसके सारे के सारे बन जा भाई, इसके सारे लिमिट पॉइंट यहाँ है मान लो, ठीक है, ये है इसका ए डैश, व्हाट इज इट, इट इज ए डैश, यानी कि ड्राइव्ड सेट। और मैं कह रहा हूँ कि ए बार यानी कि क्लोजर ऑफ ए। अब देखो आपने ये बनाया कि इसके जो भी पॉइंट इसकी बाउंड्री के ऊपर भी होते हैं ना, वो भी अधीरेंट पॉइंट हो सकते हैं, अंदर वाले तो अधीरेंट पॉइंट हो ही सकते हैं, बट इसकी बाउंड्री वाले पॉइंट लिमिट पॉइंट होने में कहीं ना कहीं संकोच करते हैं, वो नहीं हो पाते, बट अधीरेंट पॉइंट तो होते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम क्या कर दें, हम इन दोनों की यूनियन कर दें, यानी कि ए की और ए डैश की, तो ए डैश के अंदर तो वो सारे पॉइंट आ गए जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, और ए के पास वो भी पॉइंट आ गए जो अधीरेंट पॉइंट की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। तो इन दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, क्लोजर ऑफ ए बन जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट ए, ठीक है। तो इस क्लोजर ऑफ ए को ना एक तरीके से और भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत सारे सेट्स लेके, बट फिलहाल आप इस चीज को समझें कि ए इज यूनियन, ए की ए डैश के साथ यूनियन कर दें तो भी क्या आता है, क्लोजर ऑफ ए आता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए ए डैश से बड़ा होता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि ए डैश क्लोजर ऑफ ए में कंटेंड करता है ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात हम बोल सकते हैं। अब चलो
एक दो अगर इसके एग्जांपल को हम समझें कि कौन से सेट के क्या लिमिट पॉइंट बनते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो मेरे पास सेट है दोस्तों जीरो और वन का क्लोज्ड सेट है। इसका लिमिट पॉइंट आपने बनाया था जीरो और वन, यही क्लोज सेट लिमिट पॉइंट बनता है। बट इसका क्लोज़र क्या बनता है, ये क्लोज़र बनाना है। तो सबसे अच्छा वे यही रहता है क्लोज़र बनाने का कि मैंने लिखा ए यूनियन ए डैश, है ना। तो ए डैश आपको मैंने ऑलरेडी पीछे बताया था कि ए डैश क्या होगा, तो 0, 1 ये तो ए रहा, इसकी यूनियन कर दी मैंने 0, 1 के ए डैश के साथ। अब आपको पता है कि 0, 1 तो 0, 1 ही रहेगा, और यूनियन किसके साथ कर रहे हो, 0, 1, और इसका लिमिट पॉइंट क्या रहता है, लिमिट पॉइंट का सेट ये वापस सही होता है, और जब हम कंबाइन करेंगे तो ये वापस वही आ गया। यानी कि एक क्लोज्ड सेट ऐसे वाला हमेशा ही क्लोज़र होता है अपना, ठीक है। और अगर मैं 0, 1 के ओपन सेट की बात करता दोस्तों, तो इसका क्लोज़र भी यही होता है, यानी कि क्लोज्ड 0, 1 कैसे होता है, बना के देख लो क्या बनेगा। 0, 1 का ओपन सेट यूनियन 0, 1 का डैश 0, 1 यूनियन, और इसका डैश क्या होता है, वापस क्लोज्ड सेट 0, 1, और इन दोनों की यूनियन करेंगे तो वापस क्या बनेगा, 0, 1। और अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू क्यू का क्लोजर सेट क्या आएगा, क्यू बार का, तो आप लिखें क्यू यूनियन क्यू डैश, ठीक है। तो क्यू का तो क्यू रहेगा, और यूनियन क्यू डैश क्या होता है दोस्तों, क्यू डैश सारे के सारे इसका, यानी कि लिमिट पॉइंट हमेशा रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्यू एंड आर तो इज इक्वल टू वट आर, तो क्यू डैश हमेशा, क्यू बार हमेशा क्या रहेगा, आर रहेगा। और अगर मैं सी एस एर नेट की बात करूँ, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एन बार की बात करें, तो एन बार क्या आएगा, आप लिखेंगे एन यूनियन एन डैश, ठीक है। तो एन का एन, अब एन डैश क्या होता है, यानी एन डैश हमेशा, एन डैश कुछ भी नहीं होता, फाई होता है, तो इन दोनों की यूनियन करेंगे तो वापस क्या आएगा, एन आएगा। तो यानी कि एन बार अपने ही एन के इक्वल होता है। तो इनको बोलते हैं बच्चों क्लोजर ऑफ द सेट। अब जल्दी से बात कर लेते हैं किसकी, कॉम्पैक्ट सेट की। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, देखो दोस्तों कॉम्पैक्ट सेट हम किसको बोलते हैं, अगर कोई ए है कंटेंड करता है किसके अंदर, आर के अंदर, इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट, इज सेट टू बी, इसको आप कॉम्पैक्ट बोलते हैं सेट, इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड, इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो दो बातें आपको याद रखनी है, कॉम्पैक्ट सेट बहुत बहुत बार यूज किया जाता है पूरे रियल एनालिसिस के अंदर। तो अगर कोई सेट क्लोज्ड भी है और वो बाउंडेड भी है, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेट। जैसे अगर बात करें फॉर एग्जांपल, कोई भी फाइनाइट सेट ना हमेशा कॉम्पैक्ट होता है, एवरी फाइनाइट सेट कुछ भी हो, वो फाइनाइट सेट क्लोज्ड हो ओपन हो, हमेशा क्या होता है, सेट इज अ कॉम्पैक्ट सेट, हमेशा कॉम्पैक्ट होगा। इसके साथ और जो क्लोज इंटरवल वाले होते हैं वो तो डेफिनेटली होते हैं भाई। जैसे मान लो आप लिखें 1, 2, तो अब आपको पता है कि ये क्लोज भी है ना, और दूसरा क्या कहते हैं, बाउंडेड भी है, कि इसके अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं एज 1 और 2, तो क्लोज भी है बाउंडेड भी है, तो ये डेफिनेटली क्या है, कॉम्पैक्ट है। क्या आर कॉम्पैक्ट है, नहीं भाई, आर आर बाउंडेड नहीं है ना, आर के अपर और लोअर बाउंड कहाँ से लेके आओगे, वो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो नहीं है। तो यानी कि आर जो है, जैसा क्यू है, जिनका अपर बाउंड का नहीं पता, लोअर बाउंड का नहीं, कि ये ना तो क्लोज्ड हैं ना ये बाउंडेड हैं, जैसे जेड हो गया, आर नोट, ये कॉम्पैक्ट नहीं होते। यानी कि कॉम्पैक्ट होने के लिए ना उसको कहीं ना कहीं फाइनाइट होना पड़ेगा, उसको बाउंडेड होना पड़ेगा, उसको क्लोज्ड होना पड़ेगा, तो उसको कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अ सिंपल टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। और इसके बाद बात करेंगे बच्चों रीमन इंटीग्रल्स की, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की, और हम हमारी बुक को शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।